तो अब तक आपने देखा कि प्रिंस छोटू और यश के पापा की एक सब्जी की दुकान होती है और उनके दुकान पर एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि हमारी सोसाइटी में रात को एक साइकिल वाला भूत आता है जो साइकिल की घंटी भी बजाता है। और जब रात के 11 बजते हैं प्रिंस छोटू और यश को साइकिल की घंटी की आवाज आती है और वो तीनों डर जाते हैं। और सुबह जब वो जॉगिंग के लिए जा रहे होते हैं उन्हें रास्ते में एक साइकिल दिखाई देती है और वो साइकिल को उठाकर घर ले आते हैं। और उस दिन रात को साइकिल की घंटी की आवाज नहीं आती तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वो जो साइकिल ले आए हैं वो एक भूत की साइकिल है। और वो दूसरे दिन उस साइकिल को वापस उसी जगह रखाते हैं और उस रात फिर से साइकिल की घंटी की आवाज आने लगती है। इससे वो कंफर्म हो जाते हैं कि वो साइकिल भूत की ही थी। फिर प्रिंस छोटू और यश को बोलता है कि चलो जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। और सुबह जब वो स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं उन्हें वही भूत की साइकिल दिखाई देती है और वो उसे देखकर डर जाते हैं। और जब वो सामने की तरफ देखते हैं उन्हें चुड़ैल भी दिखाई देती है और वो उसे देखकर डर जाते हैं। और चुड़ैल को सब पता चल चुका होता है कि मेरी साइकिल किसने चुराई थी। और अब आगे यार मुझे याद आया चुड़ैल। अरे यश, रिंकी, ए रिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? यश कहाँ गया? अरे मैं तो सुबह ही आई 6 बजे और जब मैं आई तो यश तो यहाँ था ही नहीं। यश कहाँ चला गया यार? तुमसे चुड़ैल तो नहीं खा गई? अबे छोटू उठना है बेवकूफ। यश कहाँ है? मुझे नहीं पता यश कहाँ गया है, मुझे सोने दो। प्रिंस बेटा यश कहाँ गया? मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ उसे। अरे पापा मैं भी यश को ढूंढ रहा हूँ, यश कहीं नहीं मिल रहा। रात को तो हमारे साथ ही सोया था। कहाँ गया होगा बेटा? समझ में नहीं आ रही पापा वो कहाँ चला गया होगा। पापा आपको पता है जब मैं यश और छोटू ना स्कूल जा रहे थे ना तो हमें वो साइकिल भी दिखी थी भूत वाली और वो चुड़ैल भी दिखी थी। अच्छा बेटा मैं दुकान पे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना बेटा, बहुत काम है मुझे, आ जा बेटा। पापा घर से छोटा बेटा आपका गायब है, आप कैसी बातें कर रहे हो यार, दुकान पे जाना आपको, आ जाना बेटा। कैसा बाप है पागल है का यार, मुझे समझ में नहीं आ रही यश कहाँ चला गया होगा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। क्या सच में भूत होते हैं क्या? मुझे बताओ ना पूरी कहानी, क्या सच में तुमने भूत देखे हैं क्या? ए बेवकूफ औरत चुप करना यार, मेरा भाई गायब है। एक काम करते हैं तू भी हमारी मदद कर देना उसको ढूंढने में, चल उसको ढूंढते हैं। ए उठना छोटू उठना, चल। यार ये यश कहाँ चला गया? यार ढूंढना पड़ेगा उसे। यश 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 भाई, भूत वाली साइकिल तो वहां पड़ी है। अरे प्रिंस तुम डर क्यों रहे हो, भूत भूत कुछ नहीं होता और ये साइकिल ना घर लेकर चलते हैं। वाओ कितनी क्यूट है ये, हरे कलर की ड्रेस से भी मैच कर रही है, इसको लेकर चलते हैं घर। रिंकी तो तेरे पीछे कोई है। प्लीज चुड़ैल हमें इतना बता दो तुम चाहती क्या हो? मैं इस शहर को तबाह करना चाहती हूँ। कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साइकिल चोरी करने की? प्लीज ऐसा मत करो यार, वो यश कहाँ है? यश यश उसको तो मैं खा गई, उसका खून बहुत मीठा था, बहुत मजा आया। तुम मेरे भाई यश को खा गई, मेरा छोटा था भाई, साथ में सुसु करने जाते हो। मैं चाहता हूँ। अब क्या पता नहीं खाया हो तो, और बताओ यार तुम मतलब क्यों तबाह करना चाहती हो? अरे वो तुम्हारा प्यारा दोस्त, उसको भी तो मैंने खाया, देखना चाहोगे इसे, देखना चाहोगे? अभी ये तो पूरा भूत लग रहा है, मैंने फिल्मों में देखा हुआ ऐसा, जब मर जाता ना तो उसमें लाल लाल वो खून लग जाता ऊपर, वैसा लग रहा। डरना उससे, कोई नहीं बचेगा। भूतों से डर नहीं लगता ना, मजाक बना रखा है पर अब लगेगा। बाबा हलकट की, अरे बाबा हलकट की, बाबा हलकट की जय हो। बाबा जी कौन हो आप? अरे हम हैं बाबा हलकट। बड़ा ही हलकट नाम है आपका। मेरी गर्लफ्रेंड ने रखा है। आई
चल साले। वह कौन था अभी? बाबा जी वो भूतनी है, भूतनी भूत। अरे बाबा जी रुको, देखा आपने कैसे गायब हो गई वो शक्तिशाली है वो ज्यादा। हमें बहुत डर लग रहा है बाबा जी, प्लीज हमें बचा लो, हम आपके पैर जोड़ते हैं, प्लीज बचा लो। अरे हलकट के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हलकट कौन हलकट? अरे मैं हलकट। नाइस नेम। अरे भूत पकड़ना तो मेरा खानदानी पेचा है। अरे सब भूत मुझसे डरते हैं क्योंकि मुझे ऊपर से भेजा गया है। हाँ तो ऊपर से भेजा जाए, भगवान जी, भगवान ने भेजा ना आपको? अरे चुप कर। अरे ऊपर से मतलब आठवें फ्लोर से, आपके पिताजी ने भेजा है मुझे। अच्छा भूत पकड़ने के लिए आया है, मुझे पता था भगवान आपको ही फरिश्ता भेजोगे, ये कोई अवतार से कम नहीं है। बाबा जी प्रणाम आपको, घुटनों तक प्रणाम। बाबा जी प्लीज हमें बचा लो, वो भूत तो पीछे ही पड़ गई हमारे। बाबा जी मेरा जो छोटा भाई है ना यश, उसे भूत ने पता नहीं खा लिया या क्या किया मुझे नहीं पता, उसे वापस ला दो प्लीज। आप जो बोलोगे हम वो करेंगे प्लीज बाबा जी। अरे अरे मैं किसी से डरता नहीं और फ्री में काम किसी का करता नहीं। अरे चुड़ैल, कहाँ है चुड़ैल? सामने आ। आ गई मैं। अरे कहाँ गई? पांख। ये रही। अरे इतना क्यों डर रहा है? अभी तो धमकी दे रहा था मुझे। चुपचाप चला जा, वरना जिंदा नहीं बचेगा। अरे चुड़ैल, चुड़ैल दीदी, मेरी बात सुनो, एक बार साइड में आओ, एक मिनट। चुड़ैल पर लाइन मारता है। अरे लाइन नहीं, आप तो मेरी बड़ी दीदी जैसी है। एक बार आइए ना मेरे साथ। देखो चुड़ैल जी, मेरे छोटे छोटे विधवा 4-5 बच्चे है, पर उनके लिए ना मुझे पैसों का इंतजाम करना है। जरा इन लोगों से कुछ पैसे लूट ले दो, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तेरी भोली भाली शक्ल देखकर मुझे तुझ पर तरस आ गया। जा, छोड़ दिया मैंने तुझे जिंदा, वरना सीधा ऊपर भेज देती। ऊपर 8वें फ्लोर पे? नरक में। वैसे आप मिस्टेक कर रही है, नरक नीचे होता है, ऊपर तो स्वर्ग होता है। अभी भेजो। सॉरी। तो चुपचाप जा, जो पैसे लूटने उनसे लूट ले। थैंक यू सो मच। चला जा यहाँ से। अरे हेलो, क्या बातें हो रही है तुम्हारी? अरे आया 5 मिनट, रुक जाओ। 5 मिनट? चलो ठीक है, कोई नहीं, 5 मिनट। अरे जल्दी आओ यार बाबा जी, चुड़ैल को भगाना भी तो है। मारो इसको। अच्छा चुड़ैल जी मैं जा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। देखा देखा बाबा हलकट की ताकत, भाग गई चुड़ैल। चल बाबा के पास। अरे बाबा जी चुड़ैल तो गायब हो गई, मतलब आपकी शक्तियां बहुत शक्तिशाली, मुझे पता चल गया आप बलवान हो, आप राजकुमार हो, आप महान हो, आप महान हो। अरे बस बस मक्खन लगाना बंद कर। अरे ये तो छोटा सा केस है, जो सॉल्व कर दूंगा मैं। तो बताओ ना क्या करना पड़ेगा? अरे चुड़ैल ने मुझसे कहा है कि हवन कराना पड़ेगा। चुड़ैल ने क्यों कहा हवन करना पड़ेगा? अरे मेरा मतलब है, मेरी शक्तियों ने मुझसे कहा है कि हवन कराना पड़ेगा। कितना खर्चा आएगा? अरे खर्चे की चर्चा क्यों करता है, पहले मुझे घर लेके जा, कुछ खिला पिला, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड्रिंक लेके आ। अच्छा ठीक ठीक, बाबा जी ने बहुत सही कहा, चलो घर चलो। बाबा जी मैं तो निकला गटी लेके निकला। तो गाना, ओ तुम आ गए बेटा, बाबा जी मिल गए तुम्हें? हाँ बाबा जी मिल गए, बाबा जी बहुत सुंदर शक्तिशाली महान है। बेटा ये हमारे यश बेटे को वापस ले आएंगे। अच्छा दुकान पे चलते। अरे पापा आपका छोटा बेटा मतलब हमारा यश, प्यारा सा यश गायब है और आप दुकान पे जाना चाहते हो? अरे बेटा पैसे भी तो जरूरी है, बाबा जी को देने हैं। ठीक है बाबा जी, फिर एक काम करो, आप घर जाओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, रिंकी इनका ख्याल रखना, ठीक है? छोटू बेटे इनके साथ जाओ, मैं आता हूँ। चलो पापा। चलो बेटा बाय। बेटा मेरे घुटने ज्यादा चलते नहीं, मैं आ जाऊंगा दुकान पे बैठो बेटा। हाँ मुझे पता, पूरी दुकान में मुझे तो बैठना पड़ेगा पूरा दिन, आप तो आलसी हो चुके हो, घुटने में आपके वो नहीं बचा अभी। देखो चला नहीं यार, दुकान में चलो यार। ना। अरे पापा कहाँ जा रहे हो, गाड़ी में तो बैठो। अरे किसकी गाड़ी है ये? पापा अभी पूछने का वक्त है किसकी गाड़ी है, दोस्त से मांगी है मैंने, हमें घर भी तो आना, जल्दी यश को नहीं ढूंढना क्या? बाबा जी आ रखे घर पे, जल्दी बैठो गाड़ी में। बेवकूफ पापा, बुद्धि नहीं है इनमें। बेटा बड़ा मजा आ रहा है, मैं पहली बार गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ हाँ पापा, टूर पे तो जा रहे हैं हम गोवा, दिखता ना तुम्हें? अरे हमारा छोटा भाई गायब है यार, कैसी बातें कर रहे हो? अगर मेरे भाई को कुछ हो गया मैं क्या जवाब दूंगा मम्मी का? मम्मी तुम मायके गए हो अपने, अगर वापिस आई क्या सोचेगी मम्मी की, कैसा ख्याल रख रहे हम छोटे का?
मेरा यश बेटा। हाँ हाँ, आपको तो बड़ी फिक्र हो रही है, आपके चेहरे पे दिख रही थी अभी थोड़ी देर पहले। एक काम करते हैं पापा, मैं क्या कह रहा हूँ कि वापिस चलते हैं घर, क्योंकि बाबा भी तो घर पे बैठे हुए हैं। हम दुकान में जाके क्या करेंगे, इतना पैसा कमा लोगे क्या एक दिन में? वापिस चलते हैं, मैं बोल रहा हूँ गाड़ी, ठीक है पापा? यश बेटा, पापा ओवर एक्टिंग मत करो, मुझे पता तुम्हें कितनी फिक्र हो रही उसकी, अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे, मजा आ रहा गाड़ी में। चुड़ैल यहाँ, रोको 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 रोको। अरे बाबा जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं यहाँ वॉशरूम करने आया था। अरे हमारे घर में भी तो इतने ब्यूटीफुल वॉशरूम बने हुए, यहाँ क्यों आए तुम? ओहो, अरे घर में वो मजा नहीं है जो खुले में आता है। हाँ ठीक है, वो चुड़ैल को भी पकड़ना, जल्दी बैठो गाड़ी में। अरे हाँ हाँ, मैं कहाँ देर कर रहा हूँ, तुम ही कर रहे हो, चलो वॉशरूम जाना, घर में नहीं जा सकते बेवकूफ, बैठो गाड़ी में। ओहो हो 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 हो, खुजाने का और हल्का होने का मजा अलग ही है। वो ऐसा है कि बच्चों ने ना कोल्ड ड्रिंक कुछ ज्यादा पिला दी थी, प्रेशर बन गया था। अरे बाबा, अगर उसे चुड़ैल का प्रेशर बन गया तो हम सबको नहीं छोड़ेगी वो, किसने मना किया है? चलो जल्दी चलो। बेवकूफ। अरे बाबा जी, हवन कब करना? ए हवन, हवन घर पहुंचेगा जब भी तो होगा। हाँ हाँ, वो समझ गया मैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप भूत भगा पाओगे। अरे अरे, तेरे को बाबा भी यकीन नहीं है क्या? अरे बाबा भूतों को दूर से देख के भाग जाते हैं और भूत बाबा को देख के भाग जाते हैं। पर बाबा जी, मैंने देखा आप कांप गए थे उसको देख के, चुड़ैल को। अरे चुप कर, गाड़ी चला। वो तो चला ही रहा हूँ मैं। अरे चल चल। घर आ गया, घर आ गया, उतरो। बोलो हलकट बाबा की जय, हलकट बाबा की जय। अरे ये कन्या तुम्हारी बहन है क्या? हाँ, कजन सिस्टर है मेरी, जो आती रहती मेरे यहाँ। बहुत खूबसूरत है। ओके थैंक यू। क्यूट है। थैंक यू। अरे सुंदर है। थैंक यू। यार चुड़ैल निकालो यार, तू बेवकूफ बाबा, प्यारे बाबा निकालो ना चुड़ैल। हाँ हाँ निकाल रहा हूँ, आप लोग बैठ जाइए। मैं तुम सबको बताता हूँ कि साइकिल इस कहानी से कैसे जुड़ी हुई है। अरे बाबा, कहानी में साइकिल नहीं, साइकिल में कहानी छुपी हुई है। हाँ बात एक ही है, समझ गया ना? हाँ हाँ बाबा जी, बताओ फिर। मार गए। तुम्हें बताता हूँ, पता लग गया मुझे। तो बात यह है कि एक बार एक लड़का था, उसका नाम था बजरंगी भाईजान। वो गया था कहीं मार्केट में और वहां पे मिली उसको एक लड़की, समझते हो, छोटी बेटी। उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? बोली, मेरा नाम मुन्नी है। और बोली कि मैं कहां रहती हूं पता है? न कहा। बजरंगी भाईजान चौंक गए, उन्होंने कहा कहां रहती हो? एक मैं पाकिस्तान रहती हूं। और फिर बजरंगी भाईजान उसे पाकिस्तान छोड़ आए। अबे साले, पर तो झोली मेरी सारे मदद। बाबा जी आदाब, आदाब। अरे बाबा जी आदाब। वो ये कहानी कहीं सुनी सुनी सी लग रही है मुझे, ये फिल्म की कहानी तो नहीं है बजरंगी भाईजान की? तुम लोग बाबा की शक्तियों में शक करते हो। अरे बाबा जी, आगे क्या करना है ये बताओ। तू चुप कर, नींबू फेंक के मारूंगा, तरबूज की तरह लगेगा। ऐसा है, कुछ सामान बता रहा हूँ, लिखो। लिखवाइए बाबा जी, उसके बिना ये हवन पूरा नहीं होगा। हाँ ठीक है बाबा जी, जल्दी लिखवाइए। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फोन में, लिखवाओ। हाँ लिखो। एक कुरकुरे का पैकेट, पांच। दो अमूल बटर, पांच। तीन फुल क्रीम दूध, चार बिली के बंडल, पांच। और एक कोल्ड ड्रिंक ले आना। अरे बाबा जी, ये सब तो खाने का सामान है, क्या बातें कर रहे हो आप? अरे बाबा, हलकट भी शक्तियों में शक कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा जी, नहीं बाबा जी, माफ कीजिए। पैरी पोना उठा ले रे बाबा, उठा ले। बाबा जी देखो पीछे भूत। बेटा भूत भूत कुछ नहीं होते। पीछे तो देखो एक बार, पीछे तो देखो, पीछे।
अभी भगाते हैं बाबा, इस भूत को अभी भगाते हैं। हाल तू चला तू, आई बला को टाल तू, ए भूत चला जा यहाँ से। नहीं भूत चला जा। नहीं भूत भाई चला जा ना। नहीं तो तेरी ना नई भूतनी से सेटिंग करा दूंगा, चला जा। नहीं ऐ करता हूँ मैं कुछ, करता हूँ मैं कुछ। एक काम कर, 150 रुपए ले लियो यार। नहीं चल 200 ले लियो। नहीं देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कोमल हाथ किसका है बाबा? दीदी आपने तो मुझे डरा ही दिया। बहुत हो गया तेरा, 3 तक गिनती करूंगी, यहाँ से निकल जा। मैं नहीं निकल रहा। नहीं जाएगा? मैं नहीं जा रहा कहीं। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं। तुम्हें क्या? कोई नहीं बचेगा, सबको खाऊंगी, खा जाऊंगी। चुड़ैल जी प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा भाई कहाँ मिलेगा? अच्छा तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए? वो तुम्हें वहां पर मिलेगा जहाँ से तुमने मेरी साइकिल चुराई थी। साइकिल चुराई थी? साइकिल कहाँ मिली थी? रोड पे। अरे हटेगा कि नहीं? नहीं हटना। रिंकी एक काम करते हैं, इसको ढूंढने चलते हैं यार। अब पीछे हटना। नहीं अरे हटना। नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई नहीं बचेगा, सबको खा जाऊंगी। अरे यार साइकिल कहाँ से चुराई थी, मुझे याद नहीं आ रहा यार। यार यहीं कहीं से तो चुराई थी। अरे तुझे थोड़ी पता यार, तू थोड़ी सी साथ में, देखो कितना झूठ बोल रही है। यहीं था भाई, जहाँ से चुराई थी हमने साइकिल, वो येरी जगह झाड़ियों में से। हाँ पक्का? ना पक्का, चल देखते हैं झाड़ियों में। चलो पक्का यहीं से चुराई थी साइकिल। हाँ यार प्रिंस, चुड़ैल ने तो बोला था कि जहाँ से तुमने साइकिल चुराई है वहीं पे यश मिलेगा, पर यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा यार। हाँ यार चुड़ैल ने बेवकूफ बनाया, मुझे भी ऐसा लग रहा है। यश नहीं, यश को कुछ नहीं हुआ। यहाँ देखो ये क्या है, इसका मतलब यश मर चुका है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और जिसे इसे पार्ट 3 चाहिए जल्दी से जाके कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट होंगे पार्ट 3 के लिए, पार्ट 3 उतनी जल्दी आएगा। तो गाइस जल्दी से जाके कमेंट करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, प्रिंस पठानिया रियल के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके फॉलो कर लो, वहां मैं पार्ट 3 का अपडेट दे दूंगा। जितने ज्यादा कमेंट करोगे पार्ट 3 उतनी जल्दी मैं लाऊंगा, तो जाके कमेंट करो। और जिस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर देना, और लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। लव यू ऑल।